अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडीज विद फौजी। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे जी। आज जो आपके साथ रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ वो हलवा कद्दू से हलवा बनाना। देखिए जी, मैं एक हलवा कद्दू लेके आई हूँ, उसको मैंने काटा है। तो इसका हम मज़ेदार सर्दियों के मौसम में गर्म गर्म हलवा तैयार करते हैं। ये देखें जी, इस तरीके के साथ हम इसको काटेंगे और ये जो अंदर वाला बीच वाला हिस्सा है उसको भी हम इस तरीके के साथ नाइफ की मदद से साफ़ कर लेंगे। जो बाहर वाला इसका हिस्सा है वो सख्त है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसको काटते हुए मुश्किल होगी, लेकिन अंदर से कद्दू बहुत नरम होता है। इस तरीके के साथ हम इसका छिलका अलग कर लेंगे और सारा कद्दू काट लेंगे। ये देखें जी, इसको हमने फ्रंट से भी साफ़ कर लिया है और इसका हमने छिलका भी उतार लिया है। ठीक है जी, अब हम इसको करेंगे ग्रेट। ये मोटे वाला ग्रेटर है मेरे पास, तो इस तरीके के साथ हम इनको ग्रेट कर लेंगे। देखें जी, इस तरीके के साथ हम जल्दी जल्दी सारे कद्दू को ग्रेट कर लेंगे। और ये देखें कितना अच्छे से ये ग्रेट हो रहे हैं। ये देखें जी, सारे कद्दू को इस तरीके के साथ हमने ग्रेट करके एक पतीले में डाल लिया है। चलें अब इसको हम पकाएंगे। देखें जी, हमने बहुत लो फ्लेम ऑन किया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक कप चीनी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हाफ कप पानी है, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। इसमें हमने जो है चीनी और हाफ कप पानी शामिल किया है, क्योंकि कद्दू ग्रेट है, कद्दू ने भी पानी छोड़ना है, तो इसी में जो है कद्दू गल जाएगा। अब हम इसको कर देंगे कवर और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें जी, हमने आधा कप पानी शामिल किया था, अभी कद्दू ने अपना पानी छोड़ दिया, इसलिए आधा कप पानी शामिल किया है कि ये स्लो हीट पे जब कद्दू पानी छोड़ देगा तो उसी में ये पकेगा, उसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा सा आता है। जी 20 मिनट गुजर चुके हैं, आप देखते हैं कि कद्दू गल गया है कि क्या कंडीशन है कद्दू की। ये देखें माशाल्लाह से कद्दू अपने ही पानी में बहुत अच्छे से गल चुका है और चीनी भी अच्छे से इसमें मिक्स हो चुकी है। अब इसमें ये थोड़ी सी नमी आपको नज़र आ रही है, इसको हम थोड़ा सा फ्लेम मीडियम करेंगे और इसको हम ड्राई कर लेंगे इस तरीके के साथ। चले जी, 1 से 2 मिनट ही लगे हैं हमें मीडियम फ्लेम पे करके जो है हमने इसका जो जितना मॉइस्चर था वो हमने ड्राई कर लिया है। अब हम इसको रख देंगे एक साइड पे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब एक कढ़ाई ली है हमने, फ्लेम हमने अपना कर दिया है ऑन। अब एक कप मेरे पास देसी घी है, बिस्मिल्लाह, अब इसको शामिल करेंगे हम। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप कोई सा जो घी इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। घी नहीं भी है तो आप ऑयल में भी पका सकते हैं, लेकिन देसी घी में इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चलिए जी, जब तक घी गर्म होता है ये 1 टीस्पून है मेरे पास इलायची पाउडर, इसमें वो शामिल करते हैं। चलिए जी, अब हम इसमें शामिल करेंगे अब आपने मुसलसल चम्मच हिलाना है और इसको अच्छे से पकाना है। अब
अब जी हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1/2 कप मिल्क पाउडर, 1/4 करेंगे। देखें जी माशाल्लाह से हलवे कितनी अच्छी लुक आई है। और जो मिल्क पाउडर हमने इस्तेमाल किया है, ये जब आप टेस्ट करेंगे इसको बनाएंगे तो यकीन जाने कि ये खोए डाले वाले हलवे से किसी तरीके से कम नहीं होगा। देखें माशाल्लाह से हमारा हलवा रेडी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। ये मेरे पास कुछ अखरोट हैं, बादाम और किशमिश। अब हम इसमें ये शामिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। ये थी जी आज की हमारी रेसिपी हलवा कद्दू से हलवा जो हमने बनाया है। आई होप कि आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिनकी सेहत रही तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।